सो गाइस सीन कुछ यूं है, आज है जी मेरा ऑफ, ठीक है संडे नहीं है लेकिन आज है मेरा ऑफिस से ऑफ। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आज सारे काम निपटा लिए जाए, जो भी एक हफ्ते के हमारे काम रहते हैं वो सब आज हम निपटाने वाले हैं। हे फिल्म व्हाट्सएप, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, आगे क्या क्या होने वाला है मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। तो भाई हम उठे हैं 1 बजे, मेरी मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून में होती है, आपको पता है जब छुट्टी होती है तो भाई सबका ये सीन्स होता है कि आफ्टरनून में जो है ना हमारी मॉर्निंग होती है। भाई 1 बजे हमारी मॉर्निंग हो रही है, तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, जो भी सीन्स है खाने पीने के क्या हम पूरे दिन में करने वाले हैं वो सब आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं आप लोगों को फिर आगे। मम्मी नाश्ता, मम्मी मम्मी नाश्ता, फोन कर लो फोन। मम्मी मम्मी नाश्ता नाश्ता खा रही हूँ मैं, फिर भी नाश्ता मांग रही हूँ। मम्मी नाश्ता, बस करो, कोई इज्जत नहीं हमारी। गाइस ये मेरा नाश्ता है, चाय खत्म हो चुकी है, पूरा परांठा खा चुकी मैं, और अब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा नाश्ता खत्म हो चुका है, एंड हो गया। क्या नाश्ता बनाती है मेरी मम्मा, ओए होए होए मम्मा बहुत अच्छा बनाया था नाश्ता, मजा आ गया। 2 मिनट में सालन आ रहा था लेकिन वो नहीं आया, इसलिए डायरेक्ट चाय परांठा खाना पड़ा। नाइस यार, सालन कब तक आएगा? सही है, चाय से गुजारा कर लेती हूँ। और आज के दिन दो दो चीज़ें हुई हैं, एक तो प्रपोज डे है क्योंकि हमें कोई प्रपोज करने वाला नहीं तो इस दिन को डालो भाड़ में, और सेकंड चीज़ ये कि आज है वोटिंग डे, तो आज हमारे घर वाले आए हैं सबको वोट देकर, मतलब एक पार्टी को वोट देकर। तो पापा से पूछते हैं वो किसको वोट देकर आए हैं, पापा के असल में सर में दर्द हो रहा है तो पूछ लेते हैं कि पापा जो है ना किसको वोट देकर आए हैं। ठीक है, तो भाई पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा आपने किसको वोट दिया, अपने फिंगर दिखाओ, पापा फिंगर दिखाओ, किसको वोट देकर आया, वोट किसको दिया ये बताओ। इमरान खान। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। वैसे हम लोग इमरान खान को वोट देने वाले थे लेकिन इमरान खान का जो वो था ना लोगो वो चेंज हो गया था, तो हमने अपनी जमात को वोट दिया है, कुर्सी को वोट देकर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेरी मम्मा ने भी दिया है नाश्ता, उनको देकर आते हैं और देखते हैं कि अम्मा ने, हमारे घर में असल में कपड़े भी धुले ना, तो अम्मा ने किसको वोट दिया वो भी पूछ लेते हैं भाई, किसको वोट देकर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, नाश्ता खा लिया, बोलो थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटा। मम्मी आप किसको खाकर दे दिए बर्तन? अरे ये तो मेरा कमाल है। अम्मी ये बताइए आप किसको वोट देकर आ गई हैं? मम्मी इमरान खान, इमरान खान। कुर्सी को वोट नहीं दिया आपने, हमारी जमात को वोट नहीं दिया? दिखाऊंगी, दिखाओ थप्पा दिखा के आओ जरा, ये देखो जरा अम्मी वोट देकर आई हैं, सीधा हाथ करो, फिंगर दिखाओ, थंब दिखाओ, गुड गुड हो गया, गुड हो गया। सच्ची में इमरान खान को वोट देकर आ रही हो है, वाकई में? अरे खाना कब तक आएगा? चले खाली पीली, खाली पीली, रोक के नहीं बेइज्जती कर दी मेरी। चलो जी अब मैं जा रही हूँ नहाने, काफ़ी सालों बाद नहा रही हूँ मैं, तो मतलब गलत बात है, क्या हो गया, डेली नहाती हूँ लेकिन आज मैं जा रही हूँ नहाने, छुट्टी है आज, मेरा ऑफ डे है 8 फरवरी, क्योंकि आपको पता है कि यार ऑफिस का छुट्टी होता है, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और अभी निकाल के इस्त्री विस्त्री करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने अपनी मासी को बुला लिया कि वो आके काम शाम करके जाए, तो भाई आ चुकी है हमारी मासी, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन है भाई। ठीक है, तो ये है हमारी, हेलो हेलो मासी जी, हेलो मासी जी, हेलो। तो ये इसने सारा सामान समेटना शुरू कर दिया, बड़े तुम हाथ छुपाए जी। कोई मासी बोला तो बोला हाँ हूँ मैं मासी, हाँ हूँ मैं मासी। सो गाइज अभी मैं नहाने जा रही हूँ, क्या क्या बना के रखा हुआ? घर की सबसे बड़ी बेटी ही, मैं तो चली गई है ना,
काम करो शाबाश। तो गाइज मैं जो है ना अभी नहाने जा रही हूँ, ये लोग सफाई वगैरह करेंगे तो मैं नहा कर आ जाऊँ। अभी देखते क्या सीन है, अभी मैं सीढ़ी चढ़ने जा रही हूँ। और हाँ दे दो जरा, दे दो इधर आओ, मैं आपको वीडियो में ले लेती हूँ। हाँ तो भाई मम्मा कह रही है कि मासी अगर कोई बोले मुझसे तो मैं कि मैं मासी हूँ, तो बोला हाँ हूँ मैं मासी बस। तो गाइज अभी मैं जाऊँगी नहाने, बोली रही हूँ जानी नहीं, लेकिन अब मैं वाकई में जा रही हूँ। छोटी बेटी को आराम दिलवाते हैं, पर काम दिलवा। ओ, बड़ी बेटी ने जैसा आराम किया ना पूरी जिंदगी बैठ के, तो बड़ी बेटी पूरे घर में मैं लगती। देख तो लो जरा बड़ी बेटी कौन है जरा बताना। बड़ी बेटी से आराम करती है। यहाँ हमारे घर में सिर्फ लड़ाई 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 होती रहती है। तो पापा के आज बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, तो पापा अपने कमेंट पास कर रहे हैं सुबह से बैठ के मुझे। तो आए बात करते हैं अपने अब्बा से, मतलब बाबा जानी से ना। जी पापा जी क्या हुआ आपको, सर दबा दूं? जी सर दबा दूं? सर दबा दूं? ओए आपको तो बुखार हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके चलो। चलो डॉक्टर के पास चलो, चलो उठ जाओ, बस 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 मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पैसे कहाँ से लाओ? पैसा बहुत, अब्बा के लिए पैसा बहुत, किसी के लिए हो नहीं रहा, अब्बा के पैसे बहुत। चलो बाबा डॉक्टर के चलो। चलो हम पापा को पहले डॉक्टर के लेकर जाते हैं, ठीक है? और फिर जो है ना नहाते, पहले नहाते फिर डॉक्टर के लेकर जाएंगे। चलिए मम्मा से ही पूछ लेते हैं कि मासी क्यों हमारे घर की। हेलो मम्मा, मम्मी नाश्ता, मम्मी 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 नाश्ता, मम्मी नाश्ता नहीं मम्मा खाना बना रही है। मैं कब उठी हूँ मम्मा? मम्मा आप जरा कमेंट पास करो मैं कब उठी हूँ। जब आपकी मर्जी हो। ओह अल्लाह, मैं 1 बजे उठी हूँ और 1 बजे उठने के साथ मुझे भूख लगी है। अम्मी ने नाश्ता मुझे दे दिया, आप देख सके मतलब आपने देख लिया है कि मम्मी मुझे नाश्ता दे चुकी है। मैंने चाय पराठा खा लिया, लेकिन मैं इंतज़ार में थी कि सालन के साथ खाऊं, क्योंकि आई लव सालन करी यू नो। तो लेकिन मुझे सालन नहीं मिला क्योंकि मम्मी बना रही है खाना, मैं खाने के टाइम पर उठी हूँ। सब नाश्ता कर चुके हैं, है ना मम्मी? है ना मम्मी? मम्मी सालन क्या है? आइडिया दे दो, लोगों को भी आइडिया हो जाए ना कि रोज रोज क्या पकाने मम्मी। गोभी गोश्त, चलो आज गोभी गोश्त खाएंगे। वैसे भी सब्जी खाने का मूड था मेरा, तो आज खाएंगे हम गोभी गोश्त। सब्जी एंड, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से मैं सब्जियों पे ध्यान दे रही हूँ। मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया, मैंने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड मतलब बाहर का खाती हूँ, लेकिन अब जो है ना सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान है। सो गाइज अभी मैं डिसाइड करने जा रही हूँ कि मैंने पहनना क्या है। मैं अपने कपड़े नहीं पहनती, अब बहुत टाइम हो गया मैंने अपने कपड़े नहीं पहने, मतलब मैं पहनती हूँ बहुत कम पहनती हूँ। देखो अभी ये भी अंदर जो है ना शर्ट पापा की है और ऊपर मेरी, वो असल में मेहमान वगैरह आ गए थे तो इसलिए पहनी थी, अदरवाइज मैं नहीं पहनती। तो मैं आ गई हूँ पापा की अलमारी छानने कि मुझे पहनना क्या है, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है, तो आई विल चेक कि मैंने पहनना क्या है। शर्ट कौन सी अच्छी लगी सर जी, तो कैजुअल सा निकालते हैं। अभी मैं ढूंढ लेती हूँ कुछ पहनने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ, ठीक है? फिर हम लेंगे ब्लॉग में भी, और मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है, नो ट्रांसफॉर्मेशंस और टिकटॉक्स, तो बनाते हैं। फिर अपने कपड़े निकालने के लिए जो है ना बैठी, तो मुझे पता चला कि भाई मेरी अलमारी तो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही, तो मैं जो है ना उसे साफ़ करने के लिए बैठी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे अलमारी से क्या क्या निकला, ठीक है? ये 1, 2, 3 ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? ये जो है ना 1, 2 और ये तीसरा, बस ये 3 लाइन है जिसमें मेरे कपड़े 3 लाइन है, बाकी मैं तो पापा के पहन रही हूँ अब, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपने कपड़ों की। तो ये जो है ना इसे मैंने वॉश करने है, मेरे सारे बुरखे हैं, दुपट्टे हैं, स्कार्फ हैं, हिजाब हैं, ये जो मैं रेगुलर मैं पहन रही हूँ ना अभी ऑफिस जाते टाइम, तो ये सब वो हैं। तो अभी मैं इसे वॉश करूँगी, धोऊँगी, धाऊँगी, ठीक है? फिर नहाने जाना है। और ये कुछ कपड़े हैं मैंने ये निकाले, ये सारे जो है ना अब जो है मुस्सी के पास जाएंगे, मतलब अब ये मैं नहीं पहनने वाली और ना मैंने पहनने, तो ये सब गए, ठीक है? बस ये 2-3 कपड़े मेरे पास हैं और बाकी मैंने बाबा के पहनने हैं। तो अभी मैं जो है ना अलमारी समेटने बैठी हूँ, तो ये भी थोड़ा सा रह गया जिसमें मेरी ज्वेलरी है, पर्स वगैरह, और ये नीचे का थोड़ा सा समेटना है। ये ज्वेलरी मैंने इसलिए रखी, मैं रेगुलर बेसिस पर पहनती हूँ। और ये 2 बोरे निकले, इनको भी सेट करना है। जाने से पहले इतने सारे काम मुझे मिल गए, 1 दिन की छुट्टी है उस पर भी मुझे आराम नहीं है। तो अभी मैं ये सारे देखती हूँ क्या है, क्या सेटअप है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
कि भाई मैंने अपनी अलमारी सेट कर ली है, फिर मैं आपको फुल अलमारी टूर देती हूँ। टूर देने से पहले भी क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी जो है ना मैं कपड़े वगैरह समेट के रखती हूँ और फिर जो है ना हम काम वगैरह करते हैं, खाना पीना करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन आज के। छुट्टी वाला दिन भी आप देख सकते हो मैं कैसे गुजार रही हूँ, मतलब आज तो डेली रूटीन वाला सीन हो गया। अरे डेली तो नहीं, खैर मेरी हर दिन की रूटीन जो है वो चेंज होती है, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, लेकिन छुट्टी वाला दिन मेरा हर वक्त काम 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 नहीं करता है। सो ये जो मैंने कपड़े निकाले हैं इसका जो हक है ना वो मुझसे का है, क्योंकि मतलब आप जानते हो यार, जब बड़ी बहन घर में हो ना तो वो छोटी जब उसके कपड़े जो है ना रिटायरमेंट पे चले जाते हैं तो वो छोटी बहन के पास आते हैं। तो मतलब हमारे घर में नहीं, सबके घरों में ये सीन्स होता है, तो जिस जिसके घर में ये सीन्स होते हैं वो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके कपड़े, अगर आप बड़ी बहन है तो आपके कपड़े कौन पहनता है, मतलब छोटी बहन ऑब्वियसली छोटी बहन ही पहनती है। तो ये जो कपड़े बचे हैं अभी जाएगा मुझसी के पास, ठीक है, और फिर जो है ना मेरी शॉपिंग होगी और फिर मेरे पास नए कपड़े आ जाएंगे। मतलब नाइस यार, मुझसे की शक्ल देखने वाली अभी। या सच्चाई बता दी ना मैंने, सच्चाई नहीं बतानी थी मैंने, लेकिन अब बता दिए तो कोई मसला नहीं है। वो असल में जब आप मेरा फोटोशूट देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई ये सब तो मुझसे ने पहना हुआ है। हाँ मैं भाई देखो बहनों में तो ऐसा होता है, कभी मैं उसके कपड़े पहन लेती हूँ क्योंकि हम दोनों को फिट आते हैं, हम लोगों की एज सेम नहीं है, बट हमारे कपड़े जो है ना वो एक दूसरे को आ जाते हैं। हाँ कद सेम है और हमारी जो है ना हाइट वगैरह सब सेम सेम है, तो हम दोनों को एक दूसरे के कपड़े आ जाते हैं। लेकिन मैं जो अपने कपड़े जब मेरे खराब होने लगते हैं ना, मतलब थोड़े बहुत दो तीन दफा पहन लिए होते हैं तो मुस्सी के पास चले जाते हैं, लेकिन जो मुस्सी के न्यू सूट होते हैं मैं पहनती हूँ न्यू। मेरा हक होता है हर किसी के नए कपड़ों पर, मेरा हक है, पहले मैं पहनूंगी बाद में वो पहनेंगे। तो जब भी मुस्सी के नए कपड़े आते हैं मैं फोटोशूट करवा के जो है ना सब दे देती हूँ, भाई अब तुम पहनो, ठीक है? तो ये सीन्स है हमारे घर में कुछ। अगर आपके घर में भी यही सब होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना जी। और मेरी मुन्नी आ चुकी है खीरा खाते हुए, मेरे को भी खिलाएगी अभी। कहाँ खा रही हो? सलाम अलैकुम साथ खा रही हूँ, मुझे भी खिलाओ। हमारे भी कपड़े एक जैसे हैं, हमारे भी सीन एक जैसे हैं। कुकम्बर हम लोगों का सबका फेवरेट है, हमारे घर में पांचों का फेवरेट है कुकम्बर खीरा। हम पांचों का फेवरेट खीरा गाजर ये सब हमारा फेवरेट है ना, हम सबका फेवरेट खीरा है। गाइज मैं अपनी अलमारी समेट रही थी, आप लोगों को पता है मैं अपना कवर्ड समेट रही थी, तो मुझे एक चीज़ मिली है, ठीक है, अपने मम्मा पापा की निशानी, जिसमें मेरे पापा जो है ना शायरी करते थे मेरी मम्मा के लिए, तो आज मुझे वो डायरी मिल चुकी है। ये सब मम्मा पापा का जितना भी सामान है सब मेरे पास है, सिर्फ जितनी भी यादें इन दोनों की वो सब मेरे पास है। तो इन सब इस बैग में मतलब इस जो है शॉपर में ना ये सब यादें मैंने संभाल के रखी अपनी अम्मा पापा की, ठीक है? तो उस मतलब उसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये चीज़ है, ये डायरी है। मैं आपको हल्का सा टचअप देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा फर्स्ट पे ये मेरी मम्मा और पापा दोनों की डायरी है, तो यहाँ हमारी बर्थ ऑफ मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कि हम पांचों चारों कब पैदा हुए थे। तो यहाँ कुछ ये सीन्स हैं मेरी मम्मा ने लिखे, मेरी मम्मा की राइटिंग आप लोग चेक कर सकते हो कितनी प्यारी राइटिंग है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ जो बैक साइड है ना इस पे जो है ना यहाँ शायरी लिखी हुई है अकील सिद्दीकी, ये सारी जो है ना ये शायरियाँ मेरी अम्मा अब्बा करते थे बैठ के। इतना टाइम मिल जाता था, देखो ज़रा यहाँ देखें, ज़रा यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ज़रा यहाँ देखें, यहाँ देखें। ओके ये मैंने लिखी थी नया साल पे, और बाकी जितनी भी शायरी है ना ये अम्मा अब्बा की है। तो यू नो लव मैरिज और अलग अलग चक्कर्स, तो ये पूरी डायरी जो है ना ये अम्मा अब्बा की है, और इसके अंदर जो शेर लिखे हैं हम सुकून से बैठ के पढ़ेंगे किसी दिन। अभी मैं समेट के रख रही हूँ कि क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, 3 बज गए और अभी मेरा सिर्फ आधी अलमारी सेट हुई है, अभी आधी रहती है, ठीक है? तो अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं कि सब जल्दी जल्दी समेट जाए और इसको हम फुर्सत से बैठ के पढ़ेंगे किसी दिन, सारी शायरियाँ बैठ के पढ़ते हैं। हाँ अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इसको पढ़ने का तो मुझे लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम सब बैठ के साथ पढ़ेंगे। सो गाइस फाइनली मेरी जो है ना अलमारी सेट हो चुकी है, मेरा कबर्ड बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इतना सारा कबाड़ा निकला है कोई। तो ये कुछ मेरी अलमारी का लुक है, यहाँ देख सकते हो यहाँ मेरा बैग है, ठीक है? नीचे का भी सेट हो गया सारा और ऊपर का भी सेट हो गया सारा, ठीक है? यहाँ देख सकते हो आप मेरी ज्वेलरी भी सेट हो गई है, मेरा बैग है कराची की लड़की के नाम से, वो मेरा पर्स है, और यहाँ कुछ ये सीन्स हैं, और यहाँ ये सब देने वाले कपड़े हैं, ये धोने वाले कपड़े हैं। अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, मतलब मेरे जो अबाया हैं हिजाब्स हैं वो सब धोने हैं। सो वही जो मैं कपड़े लेकर आई थी वो मैंने धोना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? और मैं अपने कपड़े हाथ से धोने वाली हूँ, मशीन नहीं लगाने वाली, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं इसके लिए मशीन नहीं लगा सकती। सो 3-4 कपड़े हैं हाथ से धोते हैं और इसे फायरिंग करते हैं।
ठीक है, मेरा हिजाब कैप रह गया, बाकी सब जो है मैं धोने डाल चुकी हूँ, क्योंकि भाई बहुत लेट हो गया था, मैं 3:30 हो रहा, तो अभी मैंने ये सब काम कंप्लीट करना है, मतलब अभी मेरे कपड़े रहते हैं वो मैंने धोने हैं, और अभी मैं भिगो कर आ चुकी हूँ और मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अपने हाथ का मतलब जो कमाल है, वो सर्दी में इतने सर्दी में ठंडा रहा है, मतलब इतनी सर्दी लग रही है मुझे, फिर भी मैं अपने कपड़े धो रही हूँ। अभी मैं आपको अपने हाथ दिखाती हूँ, देखें पानी में डाल के आ रही है, देखें तो ये मेरे कुछ हाथ हैं, और अभी मैं हाथ से कपड़े धोने वाली हूँ, क्योंकि 4-5 कपड़ों के लिए मैं मशीन तो नहीं लगा सकती, इसलिए मैं अभी हाथ से कपड़े धोने जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं धोने के लिए डाल चुकी हूँ, ये वाले कपड़े हैं जो मैं हाथ से धोने वाली हूँ, ये मेरे अबाए हैं, हिजाब्स हैं, और ये हिजाब कैप, सब कुछ ये सब मैं हाथ से धोने वाली हूँ, देख सकते हो आप लोग। आपकी बाजी मेहनत कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो छुट्टी वाले दिन में मेहनत और छुट्टी के बगैर वाले दिन में मेहनत मेहनत मेहनत। तो अभी मैं जाती हूँ, इसे सही से रगड़ रगड़ के अपना सारा गुस्सा कपड़ों पर उतारते हैं और फिर सुखाएंगे, ठीक है, और फिर हम जाएंगे नहाने के लिए। मेरे कपड़े धुल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों की हालत, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो यहाँ जो है ना मेरे कपड़े सूख चुके हैं, मतलब जो है ना मैं धो चुकी हूँ उसे, अब जो है ना इसे सुखाने ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि कल मैंने पहनना भी है, तो अभी जो है ना हम इसको ऊपर सुखाने वाले हैं। हाय, कपड़े धोना बहुत मेहनत का काम है यार, मतलब मेहनत का नहीं लेकिन सर्दी में धोना, गर्मी में तो भाई अलग बात है कि भाई धो लेगा कोई भी, लेकिन सर्दियों में धोना, ओह माय गॉड वाओ। हमारा कद भी छोटा है इसलिए हमें स्टूल रख के धोना पड़ता है, मतलब सुखाना पड़ता है। मेरे 2-3 ही कपड़े थे, वरना तो मम्मा को दे देती, मशीन में धो लेती, नहीं लेकिन मैंने कल पहनना था इसलिए मैं खुद धोने खड़ी हो गई। मम्मा को भी रेस्ट देना चाहिए ना यार, सारे काम उनसे करवाएंगे तो फायदा हमारा। बस अब यही दुआ है कि जल्दी जल्दी से सूख जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, कल मैंने पहनना है, ये सूख जाए कैप, अंडर कैप, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे, कुछ धुले ना धुले अंडर कैप धुलना चाहिए मेरा। आज फाइनली आपकी बहन ने धोए हैं कपड़े, हाय। अच्छा, मम्मा जो है ना कल कपड़े धो चुकी थी सबके पूरे घर वालों के, मेरे भी कपड़े धुल चुके हैं, बस ये 2-3 कपड़े जो है ना मेरे धुल चुके थे, नहीं रह गए थे, मतलब धुले नहीं थे, रह गए हैं धुलने से, तो मैंने सोचा कि कल मेरी ऑफ है तो मैं खुद ही धो लूँगी यार, मम्मा को क्यों तकलीफ देनी, तो इसलिए मैंने खुद जो है ना इसे हाथों से धो लिया। मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा आ गया यार, कसम है सर्दी लग रही है मैनू, सुखाना इतना मुश्किल काम नहीं जितना धोना, मतलब यार सर्दी गर्मी में मैं तो चलेगा यार, कोई भी कपड़े दे दे, जितने भी कपड़े दे दे धो लूँगी, लेकिन सर्दी में यू नो सर्दी लगती है, मैं मुझे गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये आप लोग देख ही सकते हो कि मम्मा कल जो है ना कपड़े धो चुकी हैं सबके, यहाँ टंगे हुए थे कुछ सुबह, आप लोगों ने देखे होंगे ब्लॉग में, तो सुबह जो है ना सबके धुल चुके हैं और उतर भी चुके हैं, सूख भी चुके हैं लोग, अब मैं इंतज़ार करूँगी इसके सूखने का, और होपफुली यही हो कि कल सुबह तक सूख जाए, क्योंकि मैंने कल जाना है फिर जॉब पर, कल से फिर वही रूटीन स्टार्ट होने वाली है। सो अच्छा हाँ, आप लोगों को व्लॉग इसलिए लेट मिल रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा उसे एडिट करूं और उसे डालूं, इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसे फौरन पोस्ट करती हूं, लेकिन इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूंगी डेली 7-7:30 बजे व्लॉग आ जाए, ठीक है। सो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, ताकि मैं जैसे ही व्लॉग डालूँ आप लोगों का प्यार बरस जाए, ठीक है। अब बस ये लास्ट है, तो बस यही करते हैं एंड अपनी वीडियो को, तो आगे जो जो होने वाला है वो नेक्स्ट व्लॉग में जाएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना,
ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।